हेलो हेलो दोस्तों, आज मेरे पास होंगे लकी ब्लॉक 3। भाई साहब देखते हैं अभी इसमें क्या होगा। ओके, मुझे एक चेस दिया और भाई मैं समझ गया यार क्या करना है। ओके, तो आइस और ये लावा बकेट ये सब उठा लो। अपने का बनाना है भाई एक कोबल स्टोन फार्म। मुझे सिखाना पड़ेगा यार मेरे को कोबल स्टोन फार्म बनाने का है। 20 से कितने अच्छे अच्छे फार्म भाई मैंने बनाए कॉबल स्टोन की। यार ये भंगार था, पर कोई ना, चलो देख लेते हैं। मैंने ये फार्म बहुत टाइम से नहीं बनाया, ये तो इसको यहाँ रख दो। चढ़ जा भाई, लग जा लग जा यार। ओके, और अब इसको तोड़ दो और अब यहाँ पे डाल दो क्या लगता है, वो तो एक टाइम पास था। जो ऑब्सिडियन था मैं बाद में नेदर पोर्टल के लिए काम आएगा, समझते नहीं है यार। चलो भाई पेड़ भी टूट गए, अब अपने को बनाने के भैया इनसे प्लैंक्स फिर स्लैब। अब यहाँ पे एक पेड़ लगा देते पहले। भाई दे दे एक एक सैपलिंग दे दे, नीचे तो नहीं गिर गया इसका सैपलिंग प्लीज। ओके सैपलिंग मिल चुका है अपने को, तो इसको भी फटाफट से बोल करके बड़ा कर देते हैं। ओके, तो अब एक पेड़ में सोच रहा हूँ इस साइड लगा को चलते हैं। गया था ठीक, नहीं तो अपन वापस बोन मिल मार के इसको उगा देंगे, कौन सी बड़ी बात है। और यहाँ तो पानी पड़ा हो नहीं चाहिए, तो वापस चलो इसको तोड़ते हैं। फिर और वुड इकट्ठा हो गया, फिर वो और वुड इकट्ठा हो गया तो अपने पास बनेंगे और बॉन, जिससे हमें सामने हमारे जो लकी ब्लॉक वाला ट्री है वहाँ पर पहुँचने में बहुत मदद मिल जाएगी। आई होप मैं जब तक आऊँगी यार एक और ये जो मैं ट्री लगा के जा रहा हूँ सैपलिंग, वो ट्री उग जाए और ये इसके सैपलिंग गिरे देखो सामने। ओके, तो ये चेस्ट में तो अभी कुछ पड़ा नहीं है, अपने को बनाने पड़ेंगे एक क्राफ्टिंग टेबल। ओके 48 भाई, बहुत सारे अच्छे निकल जाएंगे स्लैब्स। तो बस मैं वहाँ पर पहुँच जाऊँ, इतनी सी देर है। ओके 84 स्लैब बनेंगे मेरे हिसाब से, तो भाई मैं वहां तक पहुंच जाऊंगा आराम से। फिर वहां से चल गए अपन खतरनाक खतरनाक चीजें लूटेंगे। और इस वर्ल्ड में सबसे पहला तो भाई एंडर ड्रैगन खत्म करेंगे, यहाँ देखते हैं क्या करेंगे, कुछ तो करेंगे। तो चलो फटाफट चलते हैं नीचे की तरफ, तो चल ले भाई। लगा देता हूँ मैं, और भाई मेरे पास 20 स्लैब भी पड़े हैं और अभी भी ये मुझे दूर लग रहा है। मुझे नहीं लगता यार अभी भी 20 में इसका कुछ भी हो पाएगा, पर फिर भी देखते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं होता है, कितने फूटते हैं कितने बढ़ते हैं। तो तुम रात तो देखो क्या मस्त हो रखी है, अभी नॉर्मल वर्ल्ड होता तो अभी ये सारे ज़ॉम्बी क्रीपर स्केलेटन सब आ जाते, खत्म हो गए भाई। और फूट रहे, वापस जाना पड़ेगा भाई। पेड़ जो होगा वो उग गया भाई, ये पेड़ भी उग गया वो भी उग गया। अब इन दोनों का वुड लेके मैं चला जाता हूँ। तो रात का अंधेरा भाई बहुत हो चुका है, तो अपने को दिखते इतना परफेक्ट नहीं रहा अपन क्या चल रहे हैं, पर जिस हिसाब से मूवमेंट हो रही है वुड ही टूट रहा है। ओके फिलहाल बाकी अच्छा ये पेड़ खत्म हो गया, बाकी उस साइड वाला सुबह को देखेंगे। इतने में मैं पहुंच जाऊंगा आराम से उधर, और अगर मैं एक बार वहां पे पहुंच गया फिर तो भाई खजाना अपने हाथ लग चुका है। बस कितनी चीजों का एक्सेस हो जाएगा वहां से जो मिलेगी, और इसमें से 42 बन जाएंगे भाई, 42 में आराम से पहुंच जाऊंगा मैं। तो चलो चलते हैं फटाफट से वहां पे। ज़ॉम्बी आजा बेटे आजा, मैं तेरे को बताता हूँ।
पास आ जा थोड़े। क्या नमस्ते अंकल जी। भाई दो गए, आजा। तुम दोनों को न्याय से धक्का देके निकाल दूंगा मैं। भाई मैं ना गिर जाऊं, मेरे को वो भी ध्यान रखना पड़ेगा। ओके तो हमारा रास्ते का कांटा तो हम हटा चुके हैं, अब निकल दे फटाफट यहाँ से। इसकी वजह से मेरा स्लैब वेस्ट हो गया यार, पर कोई ना, वो सब बाद में रिकवर हो जाए। निकलो। भाई लग ही नहीं रहा यार, मुझे लगा लैग, सही में लैग ही था। मुझे लगा नीचे लगते जा रहा है, पता नहीं कहीं नीचे, बोलो नीचे लग गया। ये भी थोड़ा नीचे है, पर कोई दिक्कत की बात नहीं। और भाई मैं पिकेक्स, लकी ब्लॉक पिकेक्स, ये सही है, ये ले लो। और पीछे से लकी ब्लॉक छोड़ूंगा। भाई मेरी किस्मत उतनी ही अच्छी है जितना, भाई कुछ बोलूंगा ही नहीं। देखे इसमें क्या है, कोयला नहीं चाहिए यार अपने को। क्या करूं मैं भाई इस डिस्को जुकबॉक्स का, यहाँ पे बैठ के गाने बजाऊं क्या? फिर भी कोल तो काम आ जाएगा लाइट वाइट बनाने के लिए। इसका क्या करूंगा मैं, ब्लॉक फेंक के सर पे मारूं, और जब कोई क्रीपर व्रीपर आएगा तो ये सीढ़ी फेंक के मारूंगा, या उसको सीढ़ी सुनाऊंगा ले नाच। बात कर रहा है पता नहीं। भाई पप्पी, ये कम से कम मैं अकेला तो नहीं हूँ, और इसमें से कुछ खतरनाक ना निकले। ओह छह गाय थी भाई। ओके ओके, अरे समुद्री लूट मिली है। एक सेकेंड भाई, कॉन्डविट वॉन्डविट सब मिल गया, ये सही है। चलो, और अच्छा सामान, बो एंड एरो भी मिल गए। अरे भाई अब बढ़िया है, देखा आओ, बढ़िया। और नहीं, ये तू निकल जा समुद्री डाकू कहीं के। ओह भाई ये अच्छा है, यहाँ पे जगह नहीं है, बिना धक्का दिए ये तो नहीं। ब्लेज नहीं, बहुत मारता हूँ मजाक। आर यू कॉमेडी मी, मजाक उड़ा रही है मेरा। रुक लो बेटा, बारिश में खुद खत्म हो गई, पर मैंने तीर रिलोड कर दिया, इसका क्या करूं। रुको, इधर किसी को लगना नहीं चाहिए। आगे चलो थोड़ा। ओके यहाँ पे डाल दो अपना तीर, भी वापस आ गया, वेस्टेज भी नहीं हुई, किसी को लगा भी नहीं। जैसे कहते हैं सांप भी मर जाए और लाठी भी ना गिरे। और ये गोलम स्पॉन होते ही नीचे, वाओ ये क्या मुर्गी, क्या सेफ लैंडिंग है भाई। ज़ॉम्बी तुम नीचे जाओ यार, ऐसे लोगों का कुछ काम नहीं है मेरे इस आइलैंड पे। पेड़ वनस्पति हमें चाहिए थोड़ी, तो लाइए वनस्पति, लाइए हमें थोड़ी। हम इस डिस्क का, मेरे को कोई काम नहीं है, डिस्क फेंको। मेरे को ना म्यूजिक का शौक है ना सुनने का है भाई। और कोई हो बताओ? नहीं है भाई, और कुछ नहीं है, जितने पेड़ थे आ गए। यार मैं एक मोमबत्तियों का क्या करूं यार, यहाँ कोई कैंडल लाइट डिलर हो रहा है। नहीं क्रीपर नहीं। मुर्गी तू चली जाए यार। भाई साहब इसने तो मेरे बेस की पत्थर ठोक दी पूरी, और मेरे सारे जानवरों का भी ये कर दिया इसने यार, क्या करूं अब मैं इसका। रुको, पहले नीचे तो बना क्या हूं? नीचे बन सकता है भाई, मैं यहाँ से और लकी ब्लॉक तोड़ सकता हूँ, लेकिन पहले इसको बना दूं। रुको अरे कौन है भाई, किसने धक्का दिया? पता नहीं किसको क्या हुआ। तो चलो मैं बताऊंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।